अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। दोस्तों आप लोग कैसे, उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों आज हम आए हैं नई दिल्ली, नई दिल्ली स्टेशन पर पहुँचे हैं। अभी हमारी ट्रेन आई है, अब हम चलते हैं होटल की तरफ और कैसे चलते हैं चलिए हम आपको बता रहे हैं और दिखाते हैं। ये है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन। ये मेट्रो स्टेशन का रास्ता है, ये सामने मेट्रो स्टेशन है। बैठ चुके हैं बैटरी वाले रिक्शे के ऊपर और अब हम जा रहे हैं गली मारा चांदनी चौक मार्केट में। और इस वक्त जो है गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है और रोज़े का भी दिन चल रहे हैं। वैसे हमने सोचा था कि यहाँ पर दिल्ली में आके एक आध ब्लॉग जो है शूट करेंगे, मगर क्या करें, टाइम बिल्कुल भी नहीं है हमारे पास। और आज हम 1 बजे करीब तो पहुँचे ही हैं दिल्ली में और जो है कल हमें वापसी भी निकलना है यहाँ से, तो यहाँ पर जो है ब्लॉग बनाना मुश्किल काम है, टाइम है ही नहीं इतना बिल्कुल भी हमारे पास जो हम ब्लॉग बना सकें। तो हमने सोचा जो है स्टेशन से लेके और होटल तक का ही ब्लॉग शूट कर लिया जाए। तो हमने सोचा क्या करें, रास्ते का ही आपको जो है वीडियो बना के दिखाते हैं। और इस वक्त जो है हम नई दिल्ली से गली मारान के लिए निकल चुके हैं और ये रेड लाइट का एरिया आ चुका है। तो हमने सोचा आपको जो है बाई रोड पर ही जो है एक्सप्लोर करा दें कौन कौन सी गलियाँ किस मोहल्ले से निकली हुई हैं। और अभी हम ये जो है अजमेरी गेट पहुँचने वाले हैं और ये आप सामने देख रहे हैं, ये अजमेरी गेट है दिल्ली का, ये अजमेरी गेट है। अब हम जो है अंदर की तरफ जो है चापड़ी बाज़ार की तरफ जाइए। माशाल्लाह देखिए मस्जिद कितनी खूबसूरत है, ये बहुत बड़ी मस्जिद है ये अजमेरी गेट पर, और बहुत अच्छी मस्जिद है ये। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ वाला एरिया है ये। अभी तो ये दोपहर का टाइम है, शाम के टाइम तो बहुत ज़्यादा रश रहता है। ये देखिए ये चापड़ी बाज़ार का जो है मेट्रो स्टेशन है, चापड़ी बाज़ार, ये देखिए ये चापड़ी बाज़ार का मेट्रो स्टेशन है। अब जो है वो अंदर जो है चापड़ी बाज़ार से लाल कुएँ की तरफ चलते हैं और आपको पूरा एक्सप्लोर कराते हैं। और बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, रोज़े का भी टाइम चल रहा है। अब हम जो है ये लाल कुएँ की तरफ आ चुके हैं दोस्तों। और आपको बता दें ये जो मार्केट है ये टोटल यहाँ पर हार्डवेयर का सामान मिलता है और ये थोक की मार्केट है, होलसेलर बैठे हुए यहाँ पर। और पूरी मार्केट जो है ये हार्डवेयर की है, यहाँ टोटल जो है हार्डवेयर का सामान मिलता है। और बहुत बड़ी ये मार्केट है, ये बहुत ज़्यादा रश रहता है यहाँ पर आम दिनों में। अब दोस्तों ये हम जो है गली कासिम जान की तरफ जो है चल रहे हैं और ये पुराने दिल्ली की जो है ये पुरानी दिल्ली का एरिया है। यहाँ पर बड़ी जो है पतली पतले रोड हैं, गलियाँ हैं और ये वो रोड है यहाँ पर नहारी मदीना नहारी वाले की दुकान थी, जहाँ पर हम पहले आते थे नहारी खाने के लिए आज से 15-20 साल पहले। अब तो खैर नहीं आना होता है यहाँ पर, तो दिल्ली ही बहुत कम आना होता है, पहले तो हर हफ्ते दिल्ली आना होता था। अब ये गली कासिम जान की तरफ हम जा रहे हैं और ये सामने एक मस्जिद और आ गई है, इस मस्जिद में भी हम नमाज़ पढ़ चुके हैं माशाल्लाह। और ये जो है अब हम गली मारान की तरफ चल रहे हैं और यहाँ पर हमारा होटल भी पड़ेगा, तमन्ना गेस्ट हाउस। ये तमन्ना गेस्ट हाउस है
और यहीं पर मिर्ज़ा गालिब की हवेली भी है, ये भी देखो आएगी, अभी हम आपको दिखाते हैं। ये तमन्ना होटल है और ये मिर्ज़ा गालिब की हवेली है। कभी मौका लगा तो आपको जो है पूरा ब्लॉग जो है शूट करके दिखाएंगे। मिर्ज़ा गालिब यहीं पर रहते थे, यहीं पर उनकी हवेली है, अभी यहाँ पर उसका जो है म्यूज़ियम बना रखा है। और कभी भी अगर मौका मिला तो यहाँ पर ब्लॉग जो है शूट करके आपको जो है ज़रूर भेजेंगे। अभी हम बली माराम की मार्केट में आ चुके हैं और यहाँ पर जो है ये जूते चप्पल की जो है ये होलसेल की मार्केट है और बहुत बड़ी मार्केट है यहाँ पर। ये पूरी मार्केट जो है जूते चप्पल की है और यहाँ पर शाम में बहुत अच्छा लगता है और रमज़ानों के दिनों में वैसे भी यहाँ पर बहुत अच्छा लगता है, बहुत रौनक रहती है। अभी जो हम आपको लेके चल रहे हैं, ये हम पीछे से लेके चल रहे हैं न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से चावड़ी बाज़ार लाल कुआं होते हुए और गली कासिम जान होते हुए जो बल्ली मारान के बाहर निकलेंगे चांदनी चौक वाले मेन रोड के ऊपर। और ये देखिए ये सब जो है मार्केट है यहाँ पर जूते चप्पल की, सब होलसेलर यहाँ पर बैठे हुए हैं। टाइम हमारे पास बिल्कुल भी नहीं था जो कहीं का ब्लॉग शूट करते, तो हमने सोचा थोड़ा सा है ये टाइम मिला हुआ है यहाँ से जो है स्टेशन से और होटल तक जाने में जो भी वक्त मिलता है यहाँ पर ब्लॉग शूट कर लेंगे और आपके यहाँ पर जो है पुरानी दिल्ली की जो भी रोड और गलियाँ हैं ये हम आपको दिखा देंगे। ये देखिए ये बच्चों में बहुत बढ़िया बढ़िया यहाँ पर जो है शूज़ वगैरह मिलते हैं, सैंडलें भी मिलती हैं छोटे छोटे बच्चों की। थोड़ी सी महंगी मार्केट है ये। ये मस्जिद है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा जाम लगा हुआ है, जाम तो वैसे भी यहाँ पर रहता है। और हम यहाँ पर उतर गए हैं और हमने यहाँ से न्यू दिल्ली से और बल्ली मारान तक के रिक्शे वाले को 50 रुपये दिए, 50 रुपये में इसने मुझे छोड़ा है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से। और अब हम ये आ चुके हैं हमारे शोएब भाई के यहाँ और ये हमारी बहुत पुरानी पार्टी हैं, ये हमारे बहुत बढ़िया भाई हैं, ये बहुत जो है मानते हैं, बहुत मोहब्बत के हैं। तो हमने इनको फ़ोन किया था बाहर से मस्जिद में से नमाज़ पढ़कर, तो उन्होंने कहा ऐसा है आप हमारी शॉप पर आ जाओ और यहीं पर रोज़ा खोलते हैं। पहले यहाँ पर ये सब लहंगे की सूट की ये सब माल रहता था यहाँ पर और ये लहंगे सूट की शॉप थी। अब ये जो है जो स्टिच किया हुआ जो भी माल होता है लहंगा या सूट, तो इसके ये बैग वगैरह बेचते हैं, इसी में ये लहंगा स्टिच करा रखा जाता है। माशाल्लाह बहुत अच्छा इनका अब ये काम चल रहा है और यहाँ पर ही हम अवतार करेंगे। और ये हमारे शोएब भाई जो हैं बहुत ही बढ़िया आदत के हैं, बहुत ही बढ़िया इंसान हैं, बहुत मोहब्बत के हैं, जब भी आओ तो माशाल्लाह जो है बहुत मोहब्बत देते हैं, बहुत इज़्ज़त देते हैं और बोले कि नहीं आप यहीं पर रोज़ा खोलेंगे। तो हम लोगों ने सोचा ठीक है तो हम लोग यहीं पर अब रोज़ा खोलते हैं, कुछ ही वक्त बचा है अवतार होने में। अब हम लोगों ने रोज़ा खोल के अब हम लोग जा रहे हैं, अभी ट्रेन में हमारे थोड़ा सा टाइम बाकी है तो हमने सोचा क्यों ना जो है ईशा की नमाज़ फतेहपुरी मस्जिद में पढ़ी जाए। तो हम ये फतेहपुरी मस्जिद की तरफ जा रहे, देखिए ये भाई साहब पड़े हुए हैं और ये देखिए फतेहपुरी मस्जिद है और जो है करीब 8:30 साढ़े 8 का टाइम हो चुका है
अज़ान का ही वक्त होने जा रहा है, तो हमने कहा नमाज़ पढ़ लेंगे। नमाज़ पढ़ने के बाद में थोड़ा सा रुक के और फिर स्टेशन के लिए निकलते हैं, हमारे ट्रेन का ही वक्त हो जाएगा जब तक। और यहाँ पर कुछ देखिए, ये कुछ फॉरनर वगैरह हैं यहाँ पर खड़े हुए। और ये सामने ये रोड जा रहा है, ये सदर के लिए जा रहा है। ये सदर के लिए रोड जा रहा है और ये मस्जिद है। और ये सामने जो रोड जा रहा है, ये चांदनी चौक होता हुआ लाल किले पहुँचता है ये रोड। और ये सदर के लिए है और ये वह मस्जिद के अंदर इंटर हो रहे हैं, मस्जिद के अंदर जा रहे हैं। और आपको ये मस्जिद दिखाते हैं, अभी तो रात का वक्त है, तो जैसा भी हो सकता है हम आपको दिखाते हैं। अब ये मस्जिद के अंदर हम चलते हैं। और ये बहुत ही माशाल्लाह बहुत अच्छी मस्जिद बनी हुई है। और देखिए ये लाइटिंग वगैरह भी है यहाँ पर, थोड़ा डेकोरेट भी किया गया हुआ है। और ये मेन गेट है, और ये साइड वाले गेट है। और यहाँ पर ये हाउस बना हुआ है वजू करने के लिए। और ये बहुत ही बड़ी मस्जिद है और बहुत अच्छी बनी हुई है। कभी अगर मौका मिला तो यहाँ पर हम आपको एक ब्लॉग शूट करके ज़रूर दिखाएंगे और पूरे इतिहास के बारे में बताएंगे कि ये मस्जिद किसने बनाई, कब बनाई, कब बनी ये मस्जिद, पूरा आपको इसके बारे में जानकारी देंगे। अभी तो टाइम हमारे पास नहीं था, तो ईशा की नमाज़ पढ़ना थी और हमारे ट्रेन में थोड़ा टाइम था, तो हमने सोचा था चलो यहाँ पर चल के ईशा की नमाज़ पढ़ लेते हैं और जैसा भी होता है आपको दिखा भी देंगे। तो इसलिए हम मस्जिद के अंदर आए थे। नमाज़ अब यहाँ पर अभी अज़ान होने जा रही है और उसके बाद में फिर नमाज़ पढ़ेंगे यहाँ पर, और नमाज़ पढ़ के फिर निकलते हैं स्टेशन के लिए, क्योंकि हमारी ट्रेन है 10:50 पे फरखाबाद के लिए। ये हम आगे की तरफ चलते हैं और आपको हम बाहर से ही दिखाएंगे, अंदर अभी नहीं जाएंगे लेके आपको। अंदर जो है जब हम ब्लॉग पूरा शूट करेंगे, जब हम आपको पूरा अंदर का दिखाएंगे बरामदा। ये देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है, कितनी अच्छी डिज़ाइन की हुई है। तो दोस्तों यहीं पर अब हम अपने ब्लॉग को ख़त्म करते हैं। कैसा लगा हमारा ये वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइए, लाइक शेयर कमेंट। और चैनल पे अगर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे।